हाँ जी प्यारी ऑडियंस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रू व्यू के ये दो पेंटल्ट कैमरास। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, जब भी आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हो कैमरा के लिए, तो जिन लोगों को ये वाला कैमरा खरीदना होता है वो गलती से ये खरीद लेते हैं, जिनको ये वाले कैमरे की ज़रूरत होती है वो गलती से ये वाला कैमरा खरीद लेते हैं। मुझे कई कंज्यूमर्स की कॉल आई और व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि उन्होंने कैमरा ये लेना था, गलती से ये ले लिया। कारण क्योंकि ये दिखने में दोनों कैमरा सेम है। पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ और फिर जो ऑनलाइन वाले जो घपला करते हैं ना, ऑनलाइन वाले क्या ट्रिक खेलते हैं कि सस्ता कैमरा ही आपको महंगे में सेल कर देते हैं, वो आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। इस कैमरा के सभी फीचर्स सेम है, दोनों ही 3 मेगापिक्सल हैं। बस यही डिफरेंस है कि ये 4G वाला, देखिए यहां पर 4G लिखा होता है, 4G कैमरा है ये वाला, और ये वाईफाई वाला है और यहाँ पर लिखा होता है वाईफाई कैमरा। बस यही डिफरेंस है कि ये 4G कैमरा है, ये वाईफाई कैमरा है। तो दोस्तों इनमें एक और मेजर डिफरेंस है, जो 4G वाला कैमरा है इसमें जो इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं, और जो वाईफाई वाला कैमरा है इसमें स्पॉटलाइट्स इंफ्रारेड लाइट्स ऊपर की तरफ होती हैं। तो आप दोनों में देख सकते हो, एक में लाइट्स ऊपर की तरफ हैं, एक में लाइट्स हैं नीचे की तरफ। तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, 4G कैमरा में नीचे की तरफ और वाईफाई कैमरा में ऊपर की तरफ जो लाइट्स हैं होती हैं। अभी ऑनलाइन में क्या झोल होता है, क्या ट्रिक खेलते हैं ऑनलाइन वाले, जब भी आप वहां पे फिल करते हो ना ट्रू व्यू पेंटल्ट कैमरा, अगर आप 4G कैमरा खरीदना चाहते हो तो भी आपको वो वाईफाई वाला ही कैमरा दिखाएंगे। क्या होता है कि ये वाला कैमरा थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू वाईफाई कैमरा, क्योंकि 4G सिम का अलग से स्लॉट होता है, 4G सिम के थ्रू चलता है। तो इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो 4G वाला कैमरा थोड़ा महंगा होता है वाईफाई वाले कैमरा से। आप जब भी कैमरा फिल करोगे ऑनलाइन, गूगल पर आप कुछ भी फिल करके देखोगे, तो आपको हमेशा वो वाईफाई वाला कैमरा ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वाईफाई के कैमरा का प्राइस कम है। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूँ, मुझे कल ही किसी क्लाइंट ने व्हाट्सएप भेजा, मैंने उनको इसका प्राइस बताया, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भैया उस पर तो कैमरा कम मिल रहा है प्राइस में। तो मैंने फिर ध्यान से देखा और उसको बताया कि भाई ये वाईफाई वाला कैमरा है और आपने 4G कैमरा का प्राइस लिया है। तो आप 4G कैमरा खरीदना है तो आपको 4G कैमरा ही खरीदना चाहिए। जैसे स्क्रीनशॉट में दिख रहा है यहाँ पर लिखा होता है कि ये वाईफाई है या 4G है, आपने ध्यान से देखना है और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करना है कैमरा को। तो ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।